दोस्तों, आपने धनियों को काफ़ी ज़्यादा दिनों तक फ्रेश कैसे रखा जाए, या फिर और ढेर सारी किचन की सब्जियों को कैसे फ्रेश रखा जाए, बढ़िया चीज़ें आसानी से कैसे काटी जाएं, ये सारी किचन ट्रिप्स मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अक्सर हमारे घर का धनिया ख़राब हो जाता है, ये देखिए, लेकिन आप चाहते हैं ऐसा हरा भरा धनिया हो, इसके लिए मैं आपके लिए आज बहुत ही बढ़िया टिप्स और ट्रिक्स लेके आया हूँ। दोस्तों, आप जब भी बाज़ार से अपना धनिया लेके आएँ तो आप क्या करें, इसको कभी भी वॉश ना करें, जब इस्तेमाल करना हो तभी वॉश करें, और साथ में जो न्यूज़पेपर है उसमें इसको रैप करके एक एयरटाइट कंटेनर में रखें। इससे जो आपका धनिया है, मान लीजिए वो 5 दिन ही फ्रेश रहता था, तो ये 15 दिन भी फ्रेश रहेगा, इसे कुछ भी नहीं होगा। ये मेरी खुद की जांची परखी ट्रिक है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। धोएं तभी जब इस्तेमाल करना हो। तरबूज तो दोस्तों आप अक्सर खा लेते हैं, लेकिन ये अंदर के बीज हमेशा फेंक देते हैं। आज कुछ ऐसा बनाने वाले हैं जिससे आप अंदर के इन बीजों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और ये आपके वेस्ट भी नहीं जाएंगे। ऐसा क्या करने वाले हैं हम इन अंदर के बीजों के साथ, तो चलिए आइए इन्हें देख लेते हैं। लेकिन अगर उससे पहले अभी तक आपने हमें फॉलो नहीं कराया तो ज़रूर कर लीजिएगा। ये जो अंदर के बचे हुए बीज हैं, आज इनके लिए हमने 2 एकदम फ्रेश तरबूज लिए हैं और इनको काट लीजिए। तरबूजों का मौसम चल रहा है, शरीर के लिए बेहद ही ज़्यादा ठंडे ठंडे होते हैं और शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा गुणकारी होते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं अंदर के जो बीज हैं, ये हम ड्राई फ्रूट्स में अपनी पंजीरियों में भी इस्तेमाल करते हैं, इन्हें मगज भी कहते हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होते हैं शरीर के लिए। लेकिन ये हेल्दी बीज हम पहले ज़माने में सुखा के इनका इस्तेमाल तो कर लेते पंजीरी में, लेकिन अब इन्हें फेंक देते हैं। तो आज हम इस अंदर के बीजों का एक शक्तिशाली ऐसा ड्रिंक बना रहे हैं दोस्तों, जो आपको अंदर से ठंडा तो रखेगा, साथ ही में ढेर सारी शक्ति भी प्रदान करता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो अंदर के बीज हैं ये फटाफट से निकाल लीजिए करछी या फिर चम्मच की मदद से। ज़्यादा समय नहीं लगता, नरम होता है खरबूजा तो आसानी से सारे के सारे निकल जाते हैं। एक एक करके आपको चारों के चारों बीज निकाल लेने हैं। अगर आपको ज़्यादा क्वांटिटी में ड्रिंक बनाना है तो ज़्यादा खरबूजे ले लीजिए, कम क्वांटिटी में तो कम। इस पे सोने पे सुहागा ये है दोस्तों कि आप अंदर से खरबूजे के बीज का भी इस्तेमाल कर रहे हैं और बाहर से इन खरबूजों को खा भी रहे हैं, यानी कि नो वेस्टेड टोटल प्रॉफिट, यानी कि बढ़िया से बढ़िया चीज़, ना इसमें कोई वेस्टेज करी हमने। तो आप देख सकते हैं कैसे हमने एक एक करके चारों के चारों खरबूजों का बस पल्प निकाल लेना है, अंदर से बीज निकाल लेना है। ये सारे के सारे बीज और थोड़ा बहुत लगा हुआ पल्प हम आगे इस्तेमाल करेंगे। तो आप दोस्तों, ये जो खरबूजे हैं, जितने मीठे लेंगे, फ्रेश लेंगे, उतनी ही ये रेसिपी दमदार बन के तैयार होगी, क्योंकि इस रेसिपी के लिए आपको हमेशा ही नरम और अच्छे मीठे खरबूजे चाहिए होते हैं। तो बस ऐसे ही आपको फटाफट से मिल जाएंगे ये सारे के सारे नरम और फ्रेश खरबूजों के अंदर के बीज। तो आज जो हम ड्रिंक बना रहे हैं दोस्तों, इसमें इन खरबूजों के बीजों का इस्तेमाल करने वाले हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया है। ये बीज हमने चारों के चारों एक कटोरे में निकाल के रख लेने हैं और उसके बाद हम इसे एक मिक्सर जार में डालेंगे। तो मिक्सर के जार में हम ये खरबूजों के साथ अन्य ढेर सारी और चीज़ें भी डालने वाले हैं, जो हमारी रेसिपी में ये सारी चीज़ें डल के तैयार होंगी। तो चलिए आइए, सबसे पहले एक जार ले है, उसमें सारे की सारी चीज़ें, ये चार खरबूजों के टुकड़े जो थे उनके बीज और थोड़ा सा लगा हुआ पल्प डाला। साथ ही में अब हम इसमें डाल रहे हैं आधा कटोरी से थोड़ी सी कम चीनी। खरबूजा अगर आपका कम मीठा हो तो आप चीनी बढ़ा लीजिएगा। साथ ही में हम डाल रहे हैं लगभग 1 गिलास के आसपास दूध और थोड़ी सी डाल दीजिए बर्फ़। ज़्यादा दूध भी डाल सकते हैं, लगभग 1.5 गिलास के आसपास। इसको अच्छे से मिक्सी के जार में मिक्स कर लीजिए। ये खरबूजे का बहुत ही खास पेस्ट, या फिर मैं कहूँ शेक तैयार होगा। और इस शेक को आपने लेना कैसे है वो भी मैं अभी आपको बताऊँगा। आपको एक छन्नी ले लेनी होगी बड़ी सी, जिसमें से हम इसके बीज अलग कर दें और ये शेक हमें इजीली मिल जाए। ये शेक बहुत ही ताकतवर होता है, क्योंकि जो खरबूजे के बीज हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त औषधि मानी गई है, हेल्दी होती है। और इसको बस में आप फटाफट से चम्मच चला लीजिए। चम्मच की मदद से क्या होगा कि दूध नीचे निकल जाएगा और आपको शक्तिशाली, बहुत ही बढ़िया दूध मिल जाएगा और बीज का जो पल्प है वो अलग हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कैसे धीरे धीरे दूध नीचे जा रहा है और जो बीज हैं वो ऊपर अभी आपके सामने थोड़े अलग हो जाएंगे, बीज का गूदा जो है। तो ये देख सकते हैं दोस्तों, बीज का गूदा आपका अलग हो गया है और दूध आपको अलग मिल गया है। तो ये आपको खरबूजे के बीज का बहुत ही अच्छा शक्तिशाली शेक मिल गया है, इजीली डाइजेस्ट भी हो जाता है। और इसको आप अलग कर लीजिए
और उसके बाद इसको आप डाल लीजिए ग्लासेस में जिसमें आप पियेंगे और सर्व करेंगे। ये देखिए कितना फाइन ये तरबूजे का शेक बन तैयार हुआ है। कैसी लगी है तरबूजे के शेक की रेसिपी मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। ये देखिए हम फिर से लौटेंगे किसी खास और नई रेसिपी के साथ। तब तक ले हम चलते हैं, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और ऐसे ही हेल्दी हेल्दी चीज़ें खाते रहें। अगर ये वीडियो आपको लगा हो ज़रूरतमंद और हेल्पफुल तो ज़रूर इसको शेयर करना मत भूलिएगा। तो तेल की बर्तन या फिर ऐसे मसालेदानियाँ तो सबके घर में होती हैं, लेकिन वो कभी कभी बाहर से बेहद ही ज़्यादा डर्टी हो जाती हैं क्योंकि इन पर कभी कभी तेल के हाथ लगते रहते हैं, कभी मसाले जम जाते हैं इन पर पानी पड़ने की वजह से। तो आज इन्हें क्लीन करते हैं बेहद ही आसान से तरीके से। थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा विनेगर और आधा नींबू ही महज लेना है। इससे तेल में बहुत ही बढ़िया शाइन आ जाता है। आप देखेंगे इसको रब करेंगे महज एक ही मिनट तो सारा का सारा गंदगी, काट या कुछ भी चीज़ लगी होगी ऑयली आपकी बहुत इजीली इसके ऊपर से हट जाएगी और आपको इतना गोरा चिट्टा ये स्टील का ढक्कन मिल जाएगा कि आप खुश हो जाएंगे कि जैसे आप नई मसाली दोबारा से घर में ले आए हों। ऐसी कोई भी स्टील की चीज़ जो आपकी ऑयल पकड़ रही है घर में या फिर गंदी हो रही है, आप उसको ऐसे ईजिली क्लीन कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स फटाफट से इसको क्लीन करने के बाद रिजल्ट देख लेते हैं कि किस लेवल पे क्लीन हुई है। सच में यार ये तो बेहद ही अच्छे से क्लीन होती नज़र आ रही है। तो फटाफट से इसको वॉश कर लेते हैं ताकि एंड रिज़ल्ट दिखा सकें आपको। ये देखिए फ्रेंड एंड में कितनी अच्छे से वॉश हो गई है। अब दोस्तों हमने इसको वॉश तो कर लिया है लेकिन अब ये तो बाहर बाहर से ही वॉश हुई है, अंदर की अगर मसालों में कोई कमी है जैसे कि आप देख रहे हैं मसालों में लम्ब्स बन गए हैं तो अब इनका क्या करें। हमारे मॉइस्चर कर लेते हैं, कभी कभी मसाले मॉइस्चर पकड़ लेते हैं तो इनका मॉइस्चर कम करने के लिए, इंटैक्ट रखने के लिए, इस मसालों की फ्रेशनेस को बरकरार रखने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे। नमक की मदद से जो भी मॉइस्चर होता है मसालों में वो इसे चूस लेता है जिसकी मदद से आपके जो मसाले हैं दोबारा से फ्रेश फील होते हैं। आप हमेशा ऐसे ही फील करेंगे। अगर आप नमक नहीं डालना चाहते तो इसमें थोड़ी सी हींग भी डाल सकते हैं, उससे मसालों का स्वाद भी बेटर हो जाता है और हींग कोई दिक्कत भी नहीं करता मसालों में और फ्रेशनेस तो मेंटेन रहती ही है। तो चलिए हमारे मसाले भी हो गए फ्रेश और डब्बा तो हमने कर ही लिया था साफ। अगली ट्रिक पे चलते हैं दोस्तों। आपके घर में अगर इंसेक्ट्स और कॉकरोच आ गए हैं किचन में तो आप ऐसे नींबू ले लीजिए और नींबू में आप थोड़ी सी काली मिर्च या लौंग जो भी आपके पास अवेलेबल हो तो वो इसमें फिक्स कर दें। लौंग लगाएंगे तो भी बेहतर है। तो चलिए हमने इसमें काली मिर्च लगा कि आप किचन के किसी भी कोने में इसको सेट कर लें, वहाँ से इंसेक्ट्स भाग जाएंगे। हमारे तो भागते हैं, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और दोस्तों ये बेहतरीन टिप्स और ट्रिक्स सारी दुनिया को मिलती रहे इसलिए इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को लाइक करेगा, चैनल को